दो दिनों से हो रही बारिश से महिला समृद्धि बाजार में लगी फुटकर सब्जी दुकानों में भरा पानी। वहीं इस चरमराई व्यवस्था से नाराज फुटकर व्यवसायी ने अपनी नाराजगी जताई। दुर्ग शहर में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के अधिकांश जगहों पर पानी भर गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश से सिविल लाइन स्थित समृद्धि बाजार में लगी सब्जी दुकानों में घुटने तक पानी भर गया, जिसके चलते अधिकांश फुटकर सब्जी व्यवसायियों ने सड़क पर ही दुकान लगा डाली। वहीं इस मामले में भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा दुर्ग नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते नजर आए, तो वहीं सब्जी बेच रहे फुटकर दुकानदारों ने भी अपनी नाराजगी इस तरह से जाहिर की। बाजार का परेशानी अभी हल नहीं हुआ है, इन लोग महाराजा चौक में बाजार बना डाले। चलो लॉकडाउन लगा था, बैठाते थे, अब अदर दिन भी आके देखिए बाजार में व्यापारी कितने परेशान है। 87 दुकानें हैं जो परमानेंट लगते हैं, दिन भर में 87 कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। लोग हम लोग इतने परेशान हैं, जब चुनाव के टाइम आते हैं दीदी भैया हाथ पैर जोड़ करके जाते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। पिछले 10 साल पूरा पहले यहाँ सूच को ऊपर करने का, बाजार का जो गड्ढा है उसको पाट के ऊंचा बनाने का ये निकला हुआ है। नाप जो करके चले गए 50 बार ये हो गया, हमको आश्वासन दिया जाता है। ये उन लोग को ये जानकारी नहीं है कि यहाँ गरीबों का पेट आश्वासन से नहीं भरता है, जो हम धंधा पानी करते हैं उससे भरता है। हम किसी नेता से, किसी महापौर से, विधायक से 1 रुपये नहीं चाहते। हमको जो सुविधा नगर निगम से मिलना चाहिए, हम हर महीना बिजली बिल देते हैं नगर निगम को, हर महीना एक एक दुकान का टैक्स देते हैं, उसके बावजूद अगर हमको आप सुविधा नहीं दे पा रहे हो तो आपको उस गद्दी पे बैठने का हक नहीं है। हम ये चाहते हैं अगर आप गद्दी में बैठे हो, हमने ही वोट दे के आपको बैठाया है, तो इतना आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी बात सुने, और सिर्फ सुने नहीं, सुन के उसको पूरा करें। आप वो नहीं कर रहे हो, बस बोलने आते हो, आप फोटो खिंचाते हो, वह मल्टीमीडियम डाल दिए, जिसमें भी डाल दिए, बस हो गया, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। नहीं हटा जा, 18 साल हो गए, हर महीना ही देखी सुनी है, चली थी, कोई परेशानी कोई हल नहीं करे, कोई नेता परेशान हल नहीं करने, वही नेता नहीं करे, ये भी नेता नहीं करे, कोई हल नहीं करने वाला। हमारा परेशानी आज 2 दिन हो गए, कल वही परेशानी रही, आज वही परेशानी, आज हमारा घाटा कौन दी का हो मन नेता मन। सब्जी कल कितना फेंक फेंक के गए हैं, कोई सब्जी का नुकसान भर्ती करी, कोई नहीं दी करके थक गए हैं। महापौर को एप्लीकेशन दिए, विधायक को एप्लीकेशन दिए, सिर्फ आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, हो जाएगा इंजीनियर को, नगर निगम का इंजीनियर को भेजते हैं, नाप के चले जाते, लेकिन 18 साल हो गया, हम लोग का वही स्थिति है आज भी। आप देख लो, हर साल का वही रोना है, बोले आज बना देंगे, कल बना देंगे, वही हाल होता है, लेकिन हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं है। अभी फिलहाल पिछले महीना महापौर को और उसके ऑफिस गए थे, एप्लीकेशन दे के आए कि हाँ अभी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा बोले, लेकिन अभी तक देख लो ये हाल है। देखिए, आपने मुझे एक सड़क दिखाई है, मैं पूरा दुर्ग शहर घूम के आ रहा हूँ, इस गौरव पथ पे हमने 5 करोड़ रुपया खर्च किया है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं आप सड़कों के ऊपर में पानी बह रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही, गाड़ियाँ बंद हो जा रही है, और ये थोड़े से बरसात में स्थिति क्यों आई है? बिना तकनीकी ज्ञान के हम जो भी काम करेंगे, हम शुरू से विरोध करते रहे कि आप अपने कार्यकर्ताओं को पालने के लिए, ठेकेदार बनाने के लिए गौरव पथ में 5 करोड़ रुपये फूंक रहे हैं, ये रुपया वार्डों में काम आता। अभी इसका मूल कारण ये है कि तकनीकी रूप से इस पानी को जाना चाहिए शंकर नगर नाले में, पहले ये वहीं जाता था, किंतु विधायक महोदय के सिपहसालारों ने जो सलाह दिया, इससे ये पानी इस रोड में छोड़ दिया गया है, केंद्रीय जेल का और पूरे क्षेत्र का, जबकि ये पानी जाना चाहिए शंकर नगर नाले में। इससे केवल ये सड़क बाधित नहीं है, इसके कारण केलाबाड़ी नाला पूरा प्रभावित है, सुराना कॉलेज वार्ड प्रभावित है, डिपरा पारा प्रभावित है। माननीय विधायक महोदय को मैं कह रहा हूँ भाई, छत्तीसगढ़िया आदमी कि सिखोए पूत दरबार नहीं चढ़े। माननीय विधायक जी जब तक बैठ के एसी कमरा में और अपन कार्यकर्ता मन संग प्लान बनात रही, दुर्ग शहर के नागरिक ला ये पीड़ा भोगेल पड़ी। और मोर अभी भी निवेदन है कि माननीय विधायक जी मुँह दिखावे की राजनीति बंद करें और लोगों को सुकून देने का काम करें, नगर निगम पे लगाम कसें, विधायक को अपने पीछे पीछे घुमाना छोड़ के कम से कम ऐसी मुसीबतों से लोगों को बुझाएं, वरना हमें अच्छी सड़क की नहीं नाव की मांग माननीय विधायक जी से करनी पड़ेगी। इससे मेरा आपके माध्यम से निवेदन है विधायक जी से कि मेरा आप और तुम्हारा की राजनीति छोड़ के तर्क संगत काम करें और ऐसा काम न करें। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।